हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं अभिषेक गुप्ता और इस वीडियो में मैं आपको बोलना चाहता हूं कि सिंबायोसिस कॉलेज में जो GEPIWAT राउंड है उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लाना है। सो सिंबायोसिस का जितना भी कॉलेजेस है सबके लिए डॉक्यूमेंट जो लाना है लगभग सब सेम ही है, ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं है। उसीलिए मैं ओवरऑल जितना भी कॉलेज है उस सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट लेना है वो है कॉल लेटर, जो आपका मेल में आएगा। आप ईमेल चेक कर लीजिए, जिन लोगों को ईमेल में नहीं मिल रहा है वो लोग ईमेल के स्पैम में जाके चेक कीजिए, क्योंकि बहुत बार होता है कि ईमेल मतलब इनबॉक्स में नहीं आता है मगर स्पैम में आता है। सो सबसे पहले आपको जो लेना है वो है कॉल लेटर, और जो ईमेल आया है उस ईमेल का फोटोकॉपी, ठीक है। सबसे पहले क्या लेना है, कॉल लेटर एंड फोटोकॉपी। आफ्टर दैट आपको लेना है आपका आइडेंटिटी प्रूफ, मतलब आपका आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ठीक है, ओरिजिनल। आफ्टर दैट आपको लेना है आपका बर्थ प्रूफ, ठीक है, आप आपका डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट है उसको ले लेना। उसके साथ साथ आपका जितना भी मार्कशीट है, ठीक है, जैसे आपका क्लास 10 का रिजल्ट, क्लास 12 का रिजल्ट, उसके बाद ग्रेजुएशन का जितना भी मार्कशीट है सब कुछ, ठीक है। अगर आप इंजीनियर हो तो फर्स्ट सेम से लेके 8th सेम तक का मार्कशीट एलोंग विथ डिग्री सर्टिफिकेट। अगर आपके पास मान लीजिए अभी तक डिग्री नहीं आया है, आप फाइनल ईयर स्टूडेंट है, तो जितना भी मार्कशीट आपके पास है वो सब लेके आपको जाना है, ठीक है। उसके साथ साथ स्नैप का स्कोर कार्ड, जो आपका स्कोर आया है वो स्कोर कार्ड लेके जाना है। उसके साथ साथ जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, जो आपका पार्टिकुलर सेंटर में जो सेंटर हेड ने साइन किया था, जो एडमिट कार्ड आप लेके गए थे एग्ज़ाम देने, उधर जो एडमिट कार्ड में इन्विजिनेटर ने साइन किया था वो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, ठीक है। सो क्या क्या लेके जाना है, आपको कॉल लेटर लेके जाना है, जो मेल पे जो कॉल लेटर आया है वो ईमेल का फोटोकॉपी करके लेके जाना है, आपका आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, आपका एडमिट कार्ड लेके जाना है जहाँ पे साइन है सेंटर हेड का, उसके बाद आपको लेके जाना है स्कोर कार्ड, उसके बाद आपका कोई डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो लेके जाना है, और आपका क्लास 10 12 का मार्कशीट एलोंग विद ग्रेजुएशन का जितना भी मार्कशीट है सब लेके जाना है, और जितना भी आप जो जो सर्टिफिकेट में आपका बोला उसके साथ साथ शायद आप लोगों ने CV में लिखा होगा कि मान लीजिए आपको क्रिकेट में कुछ सर्टिफिकेट है या पेंटिंग में कुछ सर्टिफिकेट है, जो भी आप CV में लिखे हैं कि आपने अचीव किया है वो सब सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लेके जाना है, क्योंकि उधर जो इंटरव्यूअर रहेगा वो सर्टिफिकेट से पूछ सकता है, ठीक है, जो आपके CV में मतलब सिंबायोसिस में जो आपने फॉर्म फिलअप किए हैं और फॉर्म से क्वेश्चन पूछेगा उसमें आपने जो जो सर्टिफिकेट के बारे में लिखा है इंटरव्यूअर देखना चाहेगा वो सर्टिफिकेट। सो वो सब सर्टिफिकेट का ओरिजिनल लेके जाना है। और दूसरी बात, जो जो सर्टिफिकेट का मैं अब तक बात बोला वो सब सर्टिफिकेट का आपको दो फोटोकॉपी करके लेके जाना है, ठीक है, दो फोटोकॉपी। अगर मान लीजिए आप भूल गए बाई चांस, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब सिंबायोसिस कॉलेज में फोटोकॉपी का शॉप है, मगर मैं बोलूँगा कि सबसे पहले आप आराम से घर से फोटोकॉपी करके लेके जाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को लास्ट मोमेंट में जाके प्रॉब्लम हो। सो क्या करना है, जो कॉल लेटर है उसके साथ साथ जो एडमिट कार्ड है स्नैप का उसका दो फोटोकॉपी करना, आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ है उसका दो फोटोकॉपी करना, जो ईमेल है उसका दो फोटोकॉपी करना, आपका क्लास 10-12 का जो मार्कशीट है उसका दो फोटोकॉपी करना, मतलब पार कॉलेज के लिए दो फोटोकॉपी। अगर ईमेल में लिखा हुआ है एक फोटोकॉपी मैं बोलूँगा नहीं, दो फोटोकॉपी लेके जाना है, क्योंकि दो फोटोकॉपी सबमिट करना पड़ता है। अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं तो अच्छा है, मगर मैं बोलूँगा आप दो फोटोकॉपी करके लेके जाइए, और ग्रेजुएशन का जितना भी मार्कशीट है सबका दो फोटोकॉपी करके लेके जाना है, और सब फोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक है। आप सेल्फ अटेस्टेड कॉलेज में मतलब कैंपस में आके भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर सब फोटोकॉपी में सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और जो आपका एक्स्ट्रा करिकुलम सर्टिफिकेट है उसको आप
मतलब फोटोकॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंटरव्यूअर को दिखाना है। अब मैं बोलना चाहता हूँ जो लोग एक्सपीरियंस बंदे हैं उन लोगों के लिए, एक्सपीरियंस बंदे जो लोग हैं उन लोगों को आपका ज्वाइनिंग लेटर एंड रिलीविंग लेटर एंड सैलरी स्लिप का ओरिजिनल एज वेल एज फोटोकॉपी लेके जाना है, ठीक है। जो लोग जॉब कर रहे हैं या जॉब कर चुके हैं, आपको क्या क्या लेके जाना है, ज्वाइनिंग लेटर, रिलीविंग लेटर, सैलरी स्लिप एंड एक्सपीरियंस लेटर, ठीक है। वो सब लेके जाना है विथ सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है, क्योंकि आपने आपके फॉर्म में लिखा होगा कि मैं इतना साल का एक्सपीरियंस हूँ, उतना साल का एक्सपीरियंस हूँ। सो ये सब वेरीफाई करने के लिए वो लोग देखना चाहेगा कि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या नहीं है। अब जिन लोगों को अपना फैमिली बिजनेस है, ठीक है, बहुत लोगों का है जो अपना फैमिली बिजनेस में वर्कएक्स दिखा रहा है, अपने फैमिली बिजनेस में आप अपने आप को वर्कएक्स कैसे दिखाएंगे, क्योंकि बॉस टाइम में अब आप खुद बिजनेस चला रहे हैं, थोड़ी ना आप अपने आप को वर्कएक्स दे सकते। तो इसके लिए आप लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपके पास ये एक्सपीरियंस है, बट आपको अपना ओन बिजनेस का कुछ प्रूफ लेके जाना है। जैसे अगर आपके पास गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन का कागज़ है आपके बिजनेस का, जहाँ पे आपका नाम होना चाहिए, ये याद रखना आपका पापा का नाम नहीं चलेगा, आपका एग्जैक्ट नाम होना चाहिए। आप इस पोजीशन को देखते हैं उस रजिस्ट्रेशन कागज़ में, या कोई भी आपका बिजनेस का प्रूफ हो वो लेके जाना, और उसका पूरा फोटोकॉपी करके लेके जाना, क्योंकि और दो फोटोकॉपी करना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब फोटोकॉपी आपको सबमिट करना है और सब कुछ में सेल्फ अटेस्टेड होना ज़रूरी है। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जो लोग सिंबायोसिस के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ताकि उन लोगों को हेल्प हो जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इस चैनल और इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग हम लोगों का और एक वीडियो देख लीजिए, जो कि है GPIWAT कैसे देना है सिंबायोसिस कॉलेज के लिए। और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना भी इम्पोर्टेंट GD आ सकता है, नॉट फॉर ओनली सिंबायसिस कॉलेजेस, और भी जितना भी कॉलेजेस है सबके लिए जितना भी GD आ सकता है, सब GD टॉपिक्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और एक एक वीडियो करके अपलोड करेंगे जल्दी। सो मैं नहीं चाहता कि आप लोग कोई भी टॉपिक मिस करें, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर GPIWAT प्रोसेस, ओके, एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, बाय, ऑल द बेस्ट।